नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। रामनगर में आज सुबह कोतवाली से महज कुछ ही दूरी पर स्थित नागा बाबा मंदिर में स्थित भगवान बलराम का चांदी का 1 किलो का मुकुट अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया, जिसके बाद मंदिर में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं चोरों द्वारा मुकुट चोरी की घटना से पुलिस के सुरक्षा दावों पर भी पूरी तरह पोल खुल गई। मंदिर के महंत रामेश्वर गिरी महाराज ने बताया कि मंदिर परिसर में एक ही स्थान पर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलराम का मंदिर स्थापित है। उन्होंने बताया कि तीनों ही मूर्तियों पर विशाल चांदी के मुकुट लगे हुए हैं। रविवार की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर परिसर में घुसकर भगवान बलराम के सिर पर लगे 1 किलो चांदी के मुकुट पर हाथ साफ करते हुए चोर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस को जानकारी दे दी गई। वहीं कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब जानकारी जुटाने के लिए जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम महंत रामेश्वर गिरी महाराज। ये मंदिर में आज मुकुट चोरी हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये रात में पता नहीं कैसे चोरी हो गया और देवता का है खाली, बलराम जी का मुकुट जो है वो चोरी हो गया। चांदी का है। कितना किलो का? वो करीब 1 किलो करीब होगी। पुलिस को सूचना दे दी जी। एक मंदिर से मुकुट चोरी का मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है, नागनाथ बाबा मंदिर में एक मूर्ति से मुकुट गायब होने की सूचना है। पुलिस मौके पर गई है और जांच की जा रही है। रामनगर कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित नागा बाबा मंदिर परिसर में अज्ञात चोरों ने भगवान बलराम का चांदी का मुकुट चोरी कर लिया, जिसके बाद मंदिर में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मंदिर समिति व पुजारी द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मंदिर में पहुंची और उन्होंने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। मंदिर के महंत ने बताया कि बलराम जी का जो मुकुट चोरी अज्ञात चोरों ने किया है, करीब 1 किलो चांदी का मुकुट है। और उन्होंने बताया कि बराबर में सुभद्रा और जगन्नाथ जी की भी मूर्ति थी, लेकिन उनके मुकुट सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि अब मंदिर परिसर को खतरा उत्पन्न हो गया, तो वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर चोरी गया मुकुट बरामद करने की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।